पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के बाबूराम यादव को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इससे उनके परिवार में खुशी का माहौल है। शहर के गणमान्य उन्हें बधाई देने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। 2014 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों उन्हें शिल्प गुरु सम्मान भी मिल चुका है। इससे पहले उन्हें हस्तशिल्प के लिए नेशनल और स्टेट अवार्ड भी प्राप्त हो चुके हैं। पीतल नगरी के बाबूराम यादव को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ब्रास प्लेट और फूलदान पर हाथ से बारीक नक्काशी 74 वर्षीय बाबूराम के काम की विशेषता है। पिछली बार मुरादाबाद के हस्तशिल्पी दिलशाद हुसैन भी पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं। मुरादाबाद के बंगला गांव मोहल्ले में रहने वाले बाबूराम यादव ने महज 13 साल की उम्र में पीतल नगरी के धातु उत्पादों पर दस्तकारी की शुरुआत की थी। मैं ब्रास हार्डवेयर का काम करता हूं सर, और उसमें जो बर्तन होते हैं नक्काशी करता हूं उसका। अच्छा, हाँ। कितनी खुशी हो रही है अब आपको? बस पूरे परिवार को बहुत ही खुशी है साहब। तो ये जो काम है आपने किससे सीखा था? ये श्री अमर सिंह जी से सीखा था। अच्छा, कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैं 62 से कर रहा हूँ सर। कौन कौन से अवार्ड आपको अब तक मिल चुके हैं? मेरे को सबसे पहले 85 में स्टेट अवार्ड मिला, 85 के बाद 92 में नेशनल अवार्ड मिला, फिर 2014 में शिल्प गुरु मिला, और ये पद्मश्री की खबर हो रही है। अच्छा, आपको कोई फोन वगैरह आया? हाँ, फोन आया सर। क्या? दोपहर फोन आया, होम मिनिस्ट्री सेक्रेटरी साहब ने दिया, कहा कि वो आपका अवार्ड सेलेक्ट हो गया साहब, और शाम तक आपको पूरी खबर मिल जाएगी। क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार? मैं बहुत अच्छा, बहुत खुशी की बात है। मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि साहब कारीगरों की तरफ से वो मतलब इस तरह से अवार्डेड को देख रहे हैं और कारीगरों को समझ रहे हैं कि हम ये सब कारीगर हमारे साथ हैं। मुरादाबाद को ये अवार्ड दूसरी बार मिल रहा है, पहले दिलशाद हुसैन जी को मिला। जी 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 सर। तो क्या कहना चाहेंगे? बस मैं बहुत खुशी है मुरादाबाद को और सारे कारीगरों को खुशी है साहब इस बात की, और होगी, अभी तो पता नहीं है कारीगरों को, लेकिन जैसे ही अखबार में छपेगा या वैसे मिलेगा तो पूरे कारीगरों को बहुत खुशी होगी। क्या आपको उम्मीद थी कि इस अवार्ड से आपको नवाजा जाएगा? क्या किस तरीके से आप? बस अप्लाई कर दिया था हमने, अब ये भारत सरकार का काम था देखना कि कारीगर कौन कौन हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। भारत सरकार ने जब देखा तो उन्होंने सेलेक्ट कर लिया साहब। अच्छा, किस काम के लिए किया है आपने? मेरे को इंग्रेविंग के लिए। क्या यहाँ से बने हुए आइटम क्या मोदी जी के पास या कहीं किसी पे दुनिया में जाते? जी हाँ। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।